दोस्तों ये है एंगल ग्राइंडर कटिंग मशीन, मैंने न्यू ख़रीदा है। एंगल कटिंग मशीन इस तरह से ग्राइंडर कटिंग मशीन। मैंने अपने काम के लिए पहले दूसरों से लेकर काम चलाता था, तो अब मैं खुद ही ख़रीद लिया क्योंकि मेरा काम भी बढ़ गया था और दूसरे को आप ज़्यादा लाकर यूज नहीं कर सकते। इसमें इस बॉक्स के साथ उतना सामान नहीं मिला, बस वो जो कटिंग का जो है पार्ट वो मैंने कुछ खरीदे और इसमें बॉक्स में भी कुछ था। तो इसमें देख ये हैंडल है दोस्तों, ये दोनों साइड हैंडल लगने के लिए दिया गया है। ये साइड इस तरह से ये हैंडल यानी डबल हाथ से इसको पकड़ के कटिंग कर सकते हो या क्लीन कर सकते हो इस तरह से। ये साइड भी लगता है दोस्तों, ये हैंडल और वो साइड भी लगता है, ये यानी दोनों साइड ये लगता है। तो आप इधर आपको अगर कंफर्टेबल लगे उधर उसको लगा के इसको कटिंग कर सकते हो। इसमें डबल दोनों साइड लगता है हैंडल, यानी एक एक साथ दो हाथ से पकड़ के इसको चला सकते हो। जिसे कोई होता है लेफ्टी, कोई होता है राइट, तो इस तरह से दोनों के लिए ठीक है। और ये कटिंग वाला है, ये लोहे कटिंग वाला है दोस्तों, इसे लोहे कटिंग होगा दो, ये दो, और ये तो क्लीन करने के लिए है, ये क्लीन जो क्लीन करने के लिए। और एक है ये लकड़ी कटिंग के लिए खरीदे हैं, लकड़ी कटिंग, इसमें जैसे दीवार वाल भी कटिंग हो जाता है। इसमें उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको समझना उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें कुछ घाट बनाया हुआ होता है इसमें, तो उसको देखकर आप समझ जाओगे कि कहाँ फिट होने वाला है। इस तरह से ये एंगल ग्राइंडर जो इसका कीमत हमको पड़ा 1700 पड़ा दोस्तों। कुल मिला के सब कटिंग फटिंग जो होता है वो 1800 पड़ गया है। ज़्यादा रेट नहीं है ये ब्लेड सब का, बस 30-40 इस तरह से रेट है। तो इस तरह से मशीन ख़रीदा गया है, तो अब हमको 30-40 रुपये में ब्लेड खरीद के काम चलाना होगा। अगर दूसरे को कब तक लेकर काम चलाऊं दोस्तों, इसलिए खुद ही ख़रीद लिया क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना, इसलिए बहुत काम आता है ये। जैसे आपके घर में घरेलू औजार होता है उनको यानी धार करने के लिए, उसको जैसे चाकू हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, कुदाल हो गया, ये सब को धार उसको करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो और क्या बहुत काम आता है ये एंगल ग्राइंडर मशीन। ये यानी 150 वोल्ट 100 वोल्ट में चल जाता है दोस्तों। मैंने जब मेरा मशीन खोल रहे थे तो ये वाला स्लिप कर गया, ये नट बोल्ट, इसको अब कटिंग करना होगा। यहाँ से कटिंग ये नट और ये नट, बहुत ही नरम है नट, बस 8-10 बार अगर खोल दो तो घिस जाता है दोस्तों। और हमको जैसे अंदर का ये जैसे ये तो फटता ही है, अंदर वाला पंखा लगा हुआ है इसको, तो इसलिए इसको खोलना पड़ता है, तो हमको इसलिए ख़रीदना पड़ा ग्राइंडर मशीन कटिंग मशीन। यानी बहुत काम आता है, जैसे वो लकड़ी उकड़ी जो कटिंग करने के लिए भी काम आएगा।